ये आशंकाएं थी कि रोज अखबारों का सुर्खी कई जगह ईडी आईटी सीबीआई के छापे के रूप में सामने आएंगे और हमारी आशंकाएं को सच साबित करने के लिए ईडी ने अपना जो कमिटमेंट है केंद्र सरकार के प्रति उसको निभाने का काम किया। रोज छापे आए पड़ेंगे, रोज सूत्रों के हवाले से जानकारी आएगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में इन जांच एजेंसियों को पूछना चाहते हैं कि आप समय का चुनाव कैसे करते हैं और पात्र कहां से ढूंढते हैं और यदि यही करना है तो इसका प्रतिफल क्या हुआ। आप छापा मार रहे हैं, आप जांच कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उसका नतीजा क्या आ रहा है ये आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्यों आप सूत्रों के भरोसे चीजों को बाहर लाते हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है ईडी के कार्रवाइयों पर कि ये पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत होता है और कन्विक्शन रेट तो इसका नगण्य है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मामले में हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कि प्रथम दृष्टया कहीं से कोई साक्ष्य ही नहीं है, एक मनगढ़ंत कहानी है, आज आप देखिए कौन कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं और सिलेक्टिव टीम लगाया जा रहा है। अब परिवारवाद बोल नहीं पाएंगे, घुसपैठिए बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनके पार्टी के अंदर इतने घुसपैठिए आ गए, केंद्र सरकार जवाब देने को राजी नहीं है कि भाई बाहर से कैसे लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश के साथ में अदानी को घुसाने का जो समझौता हुआ तो क्या समझौता बांग्लादेश से लोगों को यहां पर लाने का भी हुआ? यदि आ रहे तो आप पकड़ क्यों नहीं रहे? एक भी सार्थक मुद्दा लेकर वो लोगों के बीच में नहीं जा रहे। जिस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, हमने कल ही जो मूल सवाल उठाया था रिटर्निंग अफसर गढ़वा के विषय में, आप देखिए एक तरफ कल उनको ऊपर से आदेश करके उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया गया और आज फिर हमारे एक कैंडिडेट को उसी आशय को लेकर उन पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चुनाव आयोग भी
ईसी, ईडी, ईबी, सब खुलकर यहां पर चुनावी सामान में उतर आए, एक मैसेज दिया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स पर कि चुनाव के समय में आपको एक तरफा बीजेपी की जीत सुनिश्चित करनी है, अन्यथा आप पे कार्रवाई होगी। आप देखिए इस कार्रवाई पर, आज के कार्रवाई पर क्या क्या भाषाएं आ रही भाजपा की, कि हम लोग तो पहले ही बोल दिए थे। तो भैया जब आप पहले ही बोल दिए थे तो पहले क्यों नहीं कर लिया? चुनाव तक क्यों इंतजार कर रहे? इसलिए ना कि भ्रम की स्थिति पैदा हो। और उसके बाद कोई तथ्य आएगा नहीं, क्योंकि तथ्य आपके पास है नहीं। तो ये तो स्थितियां हैं। आज तो दूसरे फेज का भी सभी नामांकन पूरा हो गया, प्रचार भी शुरू हो जाएगा अब दो दिन में आधिकारिक तौर पर। सुन रहे हैं कि हर दूसरे दिन यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, और फिलर के तौर पे जो एक दिन का गैप रहेगा उसमें माननीय गृहमंत्री भी आएंगे। हम बटेंगे तो कटेंगे क्या भी नेता आगा, सांप्रदायिकता की भाषा को लेकर। कोई जाके कह रहा है कि जला देंगे ये भाषाएं जो है, जो चीजें हैं, ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। हमको लगता है कि आप लोगों के लिए अच्छा समय है, कल से ही वो समय शुरू हो गया। जो आगे के दिनों में भी जारी रहेगा, क्योंकि हतोत्साहित भाजपा को अब आप ही लोग एक सहारा है। प्रदेश नेतृत्व है कहां समझ में नहीं आता, आयातित नेतृत्व, घुसपैठिया नेतृत्व अब आप लोग को भी भ्रम में रख रहा है। देखिएगा त्योहार पर्व का मौसम है, स्वस्थ रहिए, यही हमारी शुभकामना है। धनतेरस भी है आज, उसकी भी शुभकामना है। फिर दीपावली है, सबके जीवन में खुशियों का रोशनी हो, मां महाकाली का आशीर्वाद भी हम सबको मिले, यही कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।